गुरु महाराज हमारे संत थे, वो भी कहते थे, बताते थे, मेरा तो कोई मिशन यह है नहीं, मैं तो उन्हीं के मिशन को पूरा कर रहा हूँ, उन्हीं का काम कर रहा हूँ, उनका बंदा हूँ, इसलिए मुझको भी ये बात बतानी है। तो सबसे पहले तो अपने देश और देश के कर्णधारों को ये बताना है कि भाई आप शाकाहारी रहो, नशा मुक्त हो जाओ, आपकी जरूरत है देश के लोगों को, आपके अनुभव की जरूरत है देश में। लेकिन जब शराब पी के मस्त हो जाओगे, अपना अनुभव क्या दे पाओगे? अभी कोई चढ़ाई कर दे आपके ऊपर, हर शराब के नशे में हो, आप क्या ऑर्डर दे सकते हो? आप मस्त पड़े हो तो आप क्या कुछ कर सकते हो? इसलिए दिल दिमाग बुद्धि को सही रखने के लिए जितने भी देश के कर्णधार हैं, इनको शाकाहारी नशा मुक्त रहना जरूरी है। देखो हमेशा भारत आध्यात्मिक देश रहा है, आज भी है, पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। अब आध्यात्म की और नैतिक शिक्षा की जरूरत है, इसलिए मैं आसपास के देशों को भी ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भारत के ऊपर टेढ़ी नजर मत रखो, भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने की कोशिश मत करो। चाइना से कहना चाहूंगा कि भाई भाई के झगड़े में मत पड़ो। पाकिस्तान कौन है? भारत का एक हिस्सा, भारत का छोटा भाई। जब से अलग हुआ तब से उसको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिल पाई, कोई पूरे फकीर वहां मिले नहीं, इसलिए लोगों का दिल दिमाग बदल गया। किस भाव में मरते और मरवाते हैं लोगों को कि जन्नत चले जाओगे, खुदा के प्यारे हो जाओगे, खुदा के पास पहुंच जाओगे। अरे खुदा को किसी ने देखा? अरे जन्नत को, बहिष्ट को आपने देखा कि आप जन्नत भेज रहे हो, आप खुदा के पास भेज रहे हो? आप उस बात को समझो कि लोगों को भ्रम में डाल करके और ये जिस्मानी मस्जिद को खत्म कर दे रहे हैं, रूहों को निजात दिलाने के बजाय इसको दोजख में सजा भोगने के लिए भेज दे रहे हैं। इसलिए मैं ये अपील करूंगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ये अपील करूंगा कि अगर आपको खोजने पर वहां कोई रूहानी तरक्की वाले आला फकीर अगर मिल जाए तो उनसे आप तालीम लो, उनसे आप शिक्षा लो। और ऐसे जो भ्रमित लोग हैं जिनका दिल दिमाग इधर उधर हो गया है, उनको शिक्षा दिलवाओ। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपने बड़े भाई से हाथ मिला लो भारत से, और कुछ समय के लिए अपनी बागडोर देश की भारत देश को दे दो। भारत के आध्यात्मिक लोग उनको बदल देंगे, व्यवस्था को सही कर देंगे। हमको तो ये विश्वास है कि अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू महात्मा के संपर्क में आकर के, आला फकीर के संपर्क में आकर के बदल सकते हैं, तो वो लोग भी बदल जाएंगे। खून खराबा बच जाएगा, नहीं तो इस समय पर पूरी तनातनी चल रही है। एक मछली जैसे कहते हैं कि तालाब में गंदे जाती है, सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही कुछ लोग पूरे विश्व की शांति को खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए पूरा विश्व बारूद के ढेर पर खड़ा हो रहा है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये प्रार्थना है कि आप आने समझ लो कि मेरी विनती को, प्रार्थना गुजारिश आर्जु को आने स्वीकार करो और लोगों की जान माल को बचाओ। आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारे यहाँ साधक भरे पड़े हैं, देश सेवक भक्त पड़े हुए हैं भारत देश में, उनसे आप सलाह ले लो, उनको अपनी बागडोर एक बार के लिए सौंप दो। ये व्यवस्था पूरे विश्व में करके दिखा देंगे, आप भी शक्तिशाली हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। दो बिछड़ गए भाई जब एक साथ मिल जाएंगे, पावर बढ़ जाएगी। तो अब आप इस बात को समझो कि देश की परिस्थितियां बहुत खराब हो रही,
पापी पेट के लिए बच्चों को छोड़ करके जो सीमा पर जाते हैं, पहरा लगाते हैं देश की रखवाली के लिए, उनके आने समझ लो उनको शरीर छोड़ना पड़ जाता है, देश में शहीद होना पड़ जाता है, हमको बड़ी तकलीफ होती है। देखो छोटे छोटे बच्चे ये जो बिगड़ गए नशे में, और जो ऐसे कौन सा नशा, यानी समझ लो कि गोलियों का नशा, शराब का नशा तो होते ही होता है, इसके अलावा और भी नशे होते हैं, जिसकी वजह से यानी नियम कानून का उल्लंघन करते हैं। अपने ही बच्चों पर इन पुलिस वालों को लाठियां चलानी पड़ती हैं, अपने ही पिता परिवार के लोगों पर जब वो यानी जब वो पत्थर फेंकने लगते हैं व्यवस्था में, यानी जब वो व्यवधान पैदा करते हैं, हमको बड़ी तकलीफ होती है, हमको बड़ा दर्द होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि व्यवस्था सही हो जाए, सबको रोटी रोजी मिलने लग जाए, सबको न्याय सुरक्षा मिलने लग जाए, सब ईश्वरवादी आध्यात्मवादी बन जाए, खुदा परस्त बन जाए, तो आगे का समय तो ऐसा हो जाएगा।